हेलो एवरीवन, यहाँ पे कवर करने वाले हैं हम व्यू मेन्यू को। एक्सेल की सीरीज में मैंने ये जितने भी मेन्यू है, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फार्मूला, डेटा और व्यू मेन्यू को मैंने कवर कर दिया है। और अभी मैं कवर करने वाला हूँ नॉर्मल मेन्यू। यदि आप एक्सेल सीखना चाहते हो पूरा कंप्लीट, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करो, ठीक है, चैनल के। अब देखते हैं नॉर्मल, जैसे आप ये यूज़ कर रहे हो, यहाँ पर मान लो इंसर्ट मेन्यू पे गए, यहाँ पर आपने डेटा यूज़ कर लिया हेडर एंड फुटर। जैसे आप क्लिक करते हो ना, तो कुछ का फॉर्मेट चेंज हो जाता है, ठीक है। और एक्सेल का पेज कैसे चलता है, हॉरिजेंटली चलता है, ऐसे इस साइड में चलता है, ठीक है, इस साइड में चलता है। तो आप समझो इसको क्या करना है। अब इसको नॉर्मल करना है तो व्यू पे जाओगे तो तभी नॉर्मल होगा ना। ये क्या है, पेज लेआउट में कन्वर्ट हो गया। ये बताता है कि आपका जो पेज है वो इस साइज़ का है। अगर डेटा अगर थोड़ा से बड़ा होता तो डिस्टर्ब हो जाएगा। सपोज दैट, मान लो यहाँ पे आपने कुछ आप कुछ लिख रहे थे, आपका कॉलम था, इधर वाला कॉलम था, ठीक है, और यहाँ पे भी कॉलम था, जैसे कोई टेबल वगैरह बना रहे थे। तो अब क्या होगा, यहाँ पे जैसे क्लिक करोगे प्रिंट लेआउट में, तो ये कन्वर्ट कर देगा पेज को, यानी इतना मैटर कट जाएगा, ठीक है। तो इसको वापस नॉर्मल करना, तो नॉर्मल पर क्लिक करोगे नॉर्मल हो जाएगा। और ये जो लाइन बताता है कि ये बताता है कि एक पेज है, ओके। अब देखो पेज ब्रेक क्या होता है, क्लिक करो, जितना भी पेज होगा और पेज के अकॉर्डिंग डेटा होगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ये बताएगा कि ये पेज नंबर 1 है, पेज नंबर 2 है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, मान लो डेटा मैं इतना यहाँ बढ़ा दूँ, कुछ लिख दिया मैंने, और इधर मैं चला जाऊँ थोड़ा सा बढ़ा दूँ। अब देखो ध्यान देना, मैं यहाँ पे आ गया फर्स्ट पेज पे, इस पर क्लिक करो तो बताएगा कि ये जो डेटा है एक नंबर पेज पर है, ये 2 नंबर पेज है, ये 3 नंबर पेज है। समझ में आया, इस तरीके से हम इससे जान सकते हैं। वापस जाओ, नॉर्मल कर दो इसको। नॉर्मल करने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे हम, जो कस्टम रिव्यू, कस्टम व्यू है, कस्टम व्यू का हम इस्तेमाल कब करेंगे, हम जब शेयर वर्कबुक यूज़ करेंगे ना, तो आपको कस्टम व्यू पूरा अच्छे से क्लियर कर देंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे होगा फुल स्क्रीन, क्लिक करो, ये बड़े स्क्रीन में शो करता है, डबल क्लिक करो, वापस चले आओ। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे ग्रिड लाइन, ये जो आपको कॉलम और रो दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं ग्रिड लाइन, इसको रिमूव करना है तो आप इसके चेक बॉक्स पे क्लिक करो, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, टेम्पररी बेस पे क्या होता है, हट जाता है, लेकिन यहाँ पे टेबल फॉर्म होता है। आप समझो इस चीज़ को, अगर कोई फॉर्म वॉर्म वगैरह बना रहे हो तो यहाँ पे इसका इस्तेमाल कर सकते हो ना, ठीक है। अगर आप इसको कलर करना चाहते हो तो आप इसको कलर वगैरह कर लो, ठीक है। इस तरीके से आप पूरा फॉर्मेट रेडी कर सकते हो, कोई भी फॉर्म वगैरह बनाना। हम लोग कैलकुलेटर जब बनाते हैं एडवांस वेब में, तो हम लोग यूज़ करते हैं किस चीज़ का, विजुअल बेसिक और मैक्रो का इस्तेमाल करते हैं। मैक्रो का इस्तेमाल करके हम कोई भी फॉर्म बना सकते हैं, कोई भी मैनेजमेंट का फॉर्म बना सकते हैं। एक सॉफ्टवेयर बनाना हो तो हम क्या करते हैं, हम मैक्रो का इस्तेमाल करके, विजुअल बेसिक का कोड इस्तेमाल करके, लैंग्वेज का हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर बहुत आसानी से बना लेते हैं, ठीक है। यदि आपको एडवांस वे भी सीखते हैं एक्सेल, ठीक है, तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है, वो मैं पूरा पूरा सेशन बताऊँगा। अभी आप देखते हैं ये नेक्स्ट मेनू कब कवर करने वाले हैं, ये क्या, व्यू मेनू, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फार्मूला बार। अब देखो जब हम कुछ टाइप करते हैं ना, तो यहाँ पे क्लिक करो, यहाँ पे शो करता है ना ये चीज़, ठीक है। इसको आप हाइड भी कर सकते हो, सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए हाइड कर सकते हो, मंगा भी सकते हो, ठीक है ना, जब जरूरत पड़े उसको मंगा लो। इसके बाद हेडिंग क्या होता है, ये जो आपको दिख रहा है कॉलम वगैरह, अल्फ़ाबेट और नंबर, इसको भी हाइड कर सकते हो, ठीक है। अगर इसको वापस क्लिक कर दो, ये कैसा हो जाएगा, जैसे वर्ड का व्यू होता है वैसा हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जूम करना हो तो जूम कर लो। देखो स्टेटस बार यहाँ पर है, आप चाहो तो यहाँ से भी जूम इसको कर सकते हो ना। देखो यहाँ पर इसका जो लास्ट स्टेज कितना है आप देख सकते हो, ठीक है, इसका जो लास्ट जूमिंग है वो बता रहा आपको। अब देखो ध्यान से क्या करना है, हमें 100% करना, 100% कर लो। मान लो किसी चीज़ को जूम करके प्रोजेक्टर पे पढ़ा रहे हो, तो प्रोजेक्टर पे अगर दिखाना चाहते हो जूम करके, सेलेक्ट करो और सेलेक्ट टू जूम होगा, यहाँ पे क्लिक कर देना, ये बड़ा हो जाएगा। इसको बड़ा करना है तो और भी जूम कर लो, समझ में आया, और 100% कर लो। इसके बाद अगर आप चाहते हो कि एक्सेल में कई विंडो में एक साथ काम करो, तो यहाँ पे न्यू विंडो होगा, क्लिक करो, ठीक है, और यहाँ पे आपको स्विच विंडो में दिखेगा। अभी क्या आपके पास बुक नंबर 1 है, यहाँ पे क्लिक किया आपने न्यू विंडो पर, अब देखो बुक नंबर 2 आ गया, क्लिक करो बुक नंबर 3 आ गया। यहाँ पे देखोगे इस चीज़ के बारे में ये आपको दिख रहा है, अभी आप बुक नंबर 3 पे हो। मान लो अब देखो यहाँ पे पहले आप क्या करो, अरेंज कर लो, अरेंज क्लिक किया, टाइल्स पे क्लिक करना, ओके करो। अब देखो सामने आ गया, यहाँ पे कोई डेटा, अगर कोई फॉर्म बनाओगे तो ओरिजिनली सब पे नया फॉर्म बनता रहेगा, जैसे क्लिक करो, ठीक है। कोई फॉर्म बनाओगे ना, फॉर्म में क्या चाहिए, सीरियल नंबर चाहिए, स्टूडेंट का नाम चाहिए, जैसा भी फॉर्म बनाना चाहो फॉर्म बना सकते हो, ठीक है।
और फॉर्म अगर बनाना सीखना है तो आप डेटा वैलिडेशन का सेशन देख लेना, उसमें मैंने बताया कैसे बनाते हैं फॉर्म। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे क्या करना, व्यू पे आप जाओ। व्यू पे जाने के बाद ये इसको देखो, यहाँ पे चेंज कर सकते हैं हम, और आप चाहो तो ये हाइड भी कर सकते हो। ठीक है, अब इसको बड़ा भी कर लो। ये तरीका होगा न्यू विंडो से। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे इसको सेव करना चाहते हो वर्क स्पेस को, तो सेव भी कर सकते हो। ठीक है, ओके कर दो और ये सेव हो जाएगा। समझ में आया, इसको सेव हम कर लेते हैं। इसके बाद क्या करना है हमें, हमें ये मैक्रो वाला ऑप्शन है, मैक्रो का मैंने एक अलग से सेशन बनाया है। यदि आप जानना चाहते हो कि अटेंडेंस कैसे लगाते हैं, अगर अगर अटेंडेंस वाला वर्क करना है तो मैंने उस पर फार्मूला भी इस्तेमाल किया है, काउंटिफ किया है। जैसे कि कोई बंदा है एक महीने में 20 अटेंडेंस लगाया, 40 अटेंडेंस लगा, सॉरी 20 अटेंडेंस लगाया और उससे भी कम लगाया, तो उसको पूरा कैसे काउंट कर लेते हैं वो भी मैंने पूरा पूरा डिस्कस किया है। यदि आप अटेंडेंस बनाना सीखते हो, सीखना चाहते हो, तो एक बार ज़रूर विजिट करो। ठीक है, और इससे एक और चीज़ जानो, फाइल मेनू पे जाओगे जब आप, तो पूरे फाइल पे सिक्योरिटी लगा सकते हो। ठीक है, तो एक चीज़ मैं बता दूँ यहाँ पे कैसे सिक्योरिटी लगाते हैं। तो देखो यहाँ पे जब आप व्यू पे जाओगे ना, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है प्रिपेयर का, लेकिन इसमें ये 2010 वाला वर्जन है। ठीक है, फिर भी कोई नहीं, यहाँ पे मैं कुछ नया चीज़ दिखा देता हूँ आपको। न्यू पे जब जाओगे तो यहाँ पे कुछ चीज़ें फॉर्मेट है, सिंपल टेम्पलेट चाहते हो, माई टेम्पलेट चाहते हो, कैलेंडर वगैरह चाहते हो तो क्लिक करोगे, और आपको चाहिए क्या, इंटरनेट चाहिए। इंटरनेट से आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हो जब चाहो। और यदि आप चाहिए मान लो ऐसा कुछ आपको रिपोर्ट वगैरह बनाना है, टेम्पलेट वगैरह बनाना है, ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, अलग अलग चीज़ें, ठीक है, तो यहाँ पर क्लिक करो सैम्पल टेम्पलेट, और पूछ रहे कि क्या बनाना चाहते हो, सेल्स रिपोर्ट या टाइम कार्ड, लोन ऑथोराइजेशन। आपको चाहिए सेल्स रिपोर्ट, क्लिक करो, यहाँ पे क्रिएट ऑप्शन आएगा। ये क्या कर रहा है, पूरा पूरा फॉर्मेट बना के दे दिया कि आप चाहो तो यहाँ प्रोडक्ट का नाम दो, कस्टमर का नाम दो, क्वांटिटी लिखो। ठीक है, तो इस तरह से आप सेल्स का पूरा पूरा रिकॉर्ड बना सकते हो। ठीक है, ये कुछ ये क्या होता है, रेडीमेड फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो ये रहा वीडियो का एंड, और आपको वीडियो कैसा लगा आप वीडियो का कमेंट करके ज़रूर बताएं, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, जो मैं पूरा पूरा कवर करने वाला हूँ पावर पॉइंट को। ठीक है, यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको लेटेस्ट डेटा मिलता रहेगा। ठीक है, आप अपने काम भी कर सकते हो।